सरदार जसविंदर सिंह जी और सरदार अमृतपाल सिंह जी वालों सांझे रूप दे विच सरदार प्रदीप सिंह जी नूं एक सन्मान चिन्ह साढ़े वालों पेश किया जा रहा। सरदार कंवरपाल सिंह जी बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ते नाल मैं हुण बुलाना चाहांगा साडी बहुत ही सत्कारयोग बीबी त्रिलोचन कौर जी एडवोकेट जिहड़े कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नाल प्रचारक की सेवा भी निभा रहे हैं। हुण बीबी त्रिलोचन कौर जी आप जी नाल विचारां दी सांझ पाणगे। हुंजन वास्ते पतझड़ा जिंदगी दी बन के बाहर आया जिंदगी देन लई नई जिंदगी नूं रब धार के आप अवतार आया जिथे कोई रहबर न पहुंच सकिया उत्थे जाके दुनिया नूं तार आया किरत करना नाम जपना ते वंड के चकड़ दा करन प्रताप प्रचार आया देन लई नूर बेनूरिया नूं रब धार के आप अवतार आया जुग जुग अटल चवल छत्र दे मालक शब्द सतगुरु जी सारी रमनुकता दे रहबर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी निक्की गोद विच जुड़ बैठी प्यारी साध संगत जीओ आओ सब तो पहला दशमेश पिता जी दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जानो जोत न पूछो जाति आगे जात न है गुरु नानक पातशाह जी का फुरमान कि जोत देखोगे ते जुड़ जाओगे जात देखोगे ते टुट जाओगे। पर आज आप गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश पुरब ते मना रहे हैं पर बहुता करके जात देखते हाँ जोत नहीं देखते। गुरु नानक पातशाह जी ने अपना साथी भाई मरदाना जी नूं बनाया ते उन्होंने भाई मरदाना जी राग अलाप रहे सी गुरु नानक पातशाह आराम कर रहे सी कन्ना विच जद राग दी अलाप पहुंची ते गुरु नानक पातशाह किचे चले गए पुछिया नाम की किंदे नाम दाना किंदे काम की कर रहा किंदे राग अलाप रहा किंदे राग अलापन नाल की होएगा किंदे मेरी रोजी रोटी चलती है। गुरु साहब कहते नाम दाना ते तो काम की करी जाता है क्योंकि दाने का मतलब होंगे समझदार बुजुर्ग ते तू राग अलाप रहा है रोजी रोटी लई अगर एदे नाल शब्द रला के गावेगा ना ते दुनियावी रोजी रोटी नहीं तेरा लोक ते परलोक दोनों सुहेला हो जाऊगा। सो गुरु नानक पातशाह कहते ने भाई मरदाना जी मेरे नाल चल सी कहते तेरा मेरा की रमेल तू उच्ची कुल दा मैं नीवी कुम दा मरासी डुम तेरा मेरा मेल की। गुरु नानक पातशाह कहते ने फिर अज तो मेल बना लेने अज तो मैं उच्ची कुल दा नहीं तू नीवी कुल दा नहीं अज तो तू भाई मरदाना होया। सो एक ब्रदरवुड दा कॉन्सेप्ट मेरे गुरु नानक पातशाह ने दिता। सो अज लोड़ है कि गुरु नानक पातशाह जी का यह प्रकाश पुरब मना रहे हैं। सो आप सारे भाई भाई हाँ कोई जात पात का कोई वितकरा नहीं क्योंकि सोई मरदाना मर्द मरदाना जग तारने का एक बहाना। सो जग तारण लई गुरु साहब ने भाई मरदाने नूं अपना साथी बनाया सी। सो आप भी अपने गरीब सिखां दी बाँह फड़िए उन्होंने नाल खड़िए ते जात पात दे वितकरे ने खत्म करिए ताई गुरपुरब मनाना सफला होएगा। सो धन्यवाद सब तो ज़्यादा मेरे गुरु ग्रंथ साहब जी दी इत्थे दी पूरी संस्था दी सारिया दी धन्यवाद विशेष तौर पर उन्हां दी जिन्होंने मन बना लिया अज तो जोत देखांगे जात नहीं देखांगे। दास सत जोड़ के शीश नवा के उन्हां दे चरणा दी खाक अपने मत्थे ते लाउंदी है क्योंकि जो मिले गुण सिखड़ा तिस न्यू न्यू लागे पाए जियो सैनिक बचन परवान करने होइयां बुला की किमा करनी बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जकारा एक बोले सो निहाल सत श्री अकाल। इस बीबी त्रिलोचन कौर जी एडवोकेट इन्हों के बारे एक खास गल है कि हिंदू परिवार के सिख सजे ने तो कल सिख ही नहीं सजे सिखी के प्रचारक भी बन गए ने श्रोमणी कमेटी के नाल जुड़ के सिखी का प्रचार भी कर रहे हैं तो किन्ने सोहने तरीके दे नाल बड़े प्यारे शब्दों के नाल साढ़े नाल सांझ इन्होंने पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद बीबी जी का साढ़े को पहुँचन के लिए। तो हुण मैं बेनती करनी चाहाँगा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग वीर सरदार सुलोचन वीर सिंह जी लुधियाने तो उचेचे तौर पर साढ़े को पहुँचे ने
ते वाकई बहुत सारिया संस्थावां नाल जुड़ के ते बड़े लंबे समय तो पिछे रह के सेवा करते हैं, सगो सामने भी नहीं आते, पिछे रह के बहुत सारिया संस्थावां दे नाल सेवा कर रहे हैं। वीर सलोचन वीर सिंह जी वो परिवार का धन्यवाद करेंगे, मैं स्टेज पर उन्होंने बुलाना चाहूँगा। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जुड़ बैठी साध संगत जी हो, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास नू सुभाग प्राप्त होया सी ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी उन्होंने इत्थे लिया कि यह एक बिल्डिंग है, ये परिवार सेवा लई देना चाहता है। तो दास ने मेरी इत्थे बच्ची व्याही है ते उस अपने पुत्र नू नाल लिया। एक वीर ने सानू सेवा दित्ती ते इस घर नू जिहड़ा भैन जी हरिंदर कौर दी ते वीर जी दा वो इन्होंने सुच्चा सिंह करतार कौर दे नाम ते गुरमत विद्यालय नू दित्ता। बहुत मुश्किल आईयां इन्हां नू प्रॉपर्टी दे विच, पर इन्होंने अपना एक मन बना लिया सी कि इत्थे असीं इहनू ट्रस्ट बना के इसनू गुरमत विद्यालय बनाउणा है। सो उस दे विच दास नू समय समय जदों भी इन्होंने बुलाया जिस तरह की भी सेवा दास कोलों बनाई कीती, अज वो गुरमत सिक्ख्या केंद्र बिल्डिंग के तौर पर संपूर्ण हो चुका है ते अज असीं उसका एक मुसस्मी तौर के उत्ते उद्घाटन किया है। सो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी हजूरी विच गुरपुरब मनाया जा रहा है। सो ये परिवार वडभागा जिसके भाग जिसके मस्तक भाग सो सेवा लाया, ये भागा नाल सेवा मिलती है। असी वीर जी ने पहला किया असी कई बार इंच इंच दो दो इंच वास्ते फुट वास्ते लड़ पैंदे हां जमीन वास्ते, पर एक चंगी प्रॉपर्टी नू एक गुरु घर दे लई देना ये बड़े उद्यम दा ते शलाघा योग कदम है। मैं अपने वालों अपनी संस्था गुरमत ज्ञान प्रकाश वालों इस परिवार का ऋणी हाँ जिन्होंने ये सेवा कौम दे लई कीती, बच्चों लई कीती, जिहड़े कि अगों इत्थों निकलणगे विद्वान बनणगे। वीर अमृतपाल सिंह जी जिहड़ी इह सेवा सारी निभा रहे ने वह भी धनता योग ने, ते जिन्होंने सारिआं नूं इत्थे नाल लिया के इकट्ठे कीता, मैं उन्हां दा भी धन्नवादी हाँ, परिवार दा धन्नवादी हाँ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी च बोलदिआं कुछ वध घट बोलिया गया होए तो दास किवें दा जाचक है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद सरदार सलोचन वीर सिंह जी का। हुण मैं बेनती करनी चाहाँगा कि सरदार सुच्चा सिंह बीबी करतार कौर दे परिवारक मैंबर जिहड़े ने स्टेज के नज़दीक आ जाण। असीं कुछ शख्सियतां नूं सन्मान चिन्ह देना चाहते हैं कि परिवारक मैंबरां दे वल्लों सांझे रूप दे विच नाल सरबजीत सिंह जी वीर जी वह भी खड़े हो जाण ते असीं सन्मानित करना चाहांगे। सम्मान देने सरदार मंगत सिंह जी राही। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। मैं बेनती करांगा बीबी त्रिलोचन कौर जी एडवोकेट वो सम्मान चिन्ह हासिल करनगे। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। हुण मैं बेनती करांगा साढ़े सत्कारयोग इंजीनियर सरदार सुखदेव सिंह जी लाच। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद सारे वीर भैणों का।